मैंने कोई आपत्ति टिप्पणी नहीं किया है, कोई भी आपत्ति टिप्पणी नहीं किया, कुछ नहीं बोली हूँ। उनके पास जाइए, जहाँ जहाँ जाना है जाए, प्रधानमंत्री तक जाए। सबसे आज तक का सबसे फेलियर अधिकारी मुकेश कुमार है। सारे बैठक में सभी लोग आए हैं, निगम पर राजनीति नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र से ही यहाँ नगर आयुक्त काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। 2014 से लेकर आज तक सबका काम अच्छे से हुआ है। हो सकता है किसी समय गलती हुई हो, जब भी हम काम किए हैं तो कानून संगत काम किए हैं, कानून से हट के कभी कोई काम नहीं किए। हम इसको न्याय तक लेके जाएंगे और न्याय का दरवाजा खटखटाएंगे। मेयर नगर आयुक्त विवाद में महाधिवक्ता के मंतव्य के बाद अभी हमारे साथ मौजूद है रांची मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा जी, इन्हीं से बात करते हैं। मैम, क्या कुछ नगर निगम में चल रहा है, जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं बता दूं, रांची नगर निगम का अधिकारी और कर्मचारी सब दबाव में है, नगर आयुक्त काम करना नहीं चाहते हैं। सोमवार को हमने परिषद का बैठक बुलाया, परिषद का बैठक नहीं करना है इसलिए नाटक है। और सभी ने, जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, सब ने मेरे से मिले हैं, मेरे से बात किए हैं और बोले हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, आपने जो काम करते हैं सबने देखा है। 2014 से लेकर आज तक, चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, सबका काम अच्छे से हुआ है। चाहे अनुकंपा की बात हो, सैलरी बढ़ाने की बात हो, किसी को कुछ भी काम करने की बात हो, सबके लिए मेयर ने लड़ाई किया है, उनके लिए हक की लड़ाई की है, सबको मालूम है। इसलिए वो दबाव में सब ये कर रहे हैं। अगर आप किसी को भी पूछिएगा तो अभी दबाव में है, क्योंकि जो अधिकारी का कलम है उनको कहीं ना कहीं काम करने नहीं देगा, नहीं तो कुछ करेंगे। तो कहीं ना कहीं बैठक को डिस्टर्ब करने के लिए, कि ये परिषद का बैठक प्रत्येक माह हम लोग तय करते हैं, वो बैठक को तिथि हमने निर्धारित कर दिए हैं, बैठक नहीं करना है, इसलिए इस टाइप का नाटक है। आप कह रहे हैं नगर आयुक्त के दबाव में या अधिकारियों के दबाव में, लेकिन इससे पहले भी जो तमाम नगर आयुक्त आए हैं, प्रशांत कुमार से लेकर शांतनु तक, सभी से आपका जो संबंध है वो तल्ख रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आपको मैं बता दूँ, हो सकता है किसी समय गलती हुई होगी, लेकिन उन्होंने जो गलती थी उनको, चाहे प्रशांत कुमार हो, संतनु अग्रहरी हो, सबने स्वीकार किया और उसको ठीक से शुरू से ठीक करने के लिए प्रयास किया। हर समय अगर आप देखेंगे, इसी कानून की अगर हम बात करते हैं प्रशांत कुमार जी के समय में, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मरियम पुथम जो है, वरिष्ठम अधिवक्ता है, जिनको जजों का पैनल ने चुन करके वरिष्ठतम का उपाधि देते हैं, ऐसे लोगों से, और उन्होंने इस अधिनियम के अनुसार जब ये बैठक है तो क्या कहता है, धारा 78 के तहत नगर पालिका की प्रत्येक बैठक का अध्यक्षता महापौर करेगी। अगर ये नहीं होता तो किसी को अध्यक्ष भी चुना जा सकता था, तो ये कहीं ना कहीं गलत था। और जब प्रशांत कुमार ने देखे कि हम सही हैं, तो उन्होंने चेक्स एंड बैलेंस दोनों काम बन करके काम किए। कभी भी कार्यपालिका और विधायिका रहती है तो उसके लिए चेक्स एंड बैलेंस होना जरूरी है। चाहे संतनु अग्रहरी की बात करो तो बहुत अच्छा काम किए, संतनु अग्रहरी जैसा अधिकारी तो कोई नहीं है। आप उनको देखिएगा तो उनका काम करने का तरीका, उनका हर तरह से, आप पूरे शहर में देख लीजिए कितना अच्छा काम करा, चाहे वो पार्किंग का था, चाहे साफ सफाई का काम था। विवाद तो आपका उनसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब किसी एक विषय का था, उस विषय के बारे में जो गलतियाँ, फॉल्ट पाई गई और हमने कहा ये गलती है, उन्होंने स्वीकार किया और अच्छे से काम किए। उनका टेन्योर बहुत अच्छा रहा, मनोज कुमार जी का टेन्योर बहुत अच्छा रहा। सबको मालूम है कि जब भी हम काम किए हैं तो कानून संगत काम किए हैं, कानून से हट के कभी कोई काम नहीं किए हैं, और जो गलत है उस पर मैं आवाज़ उठाती हूँ, वो भी उन लोगों को मालूम है। इसलिए चाहे वो प्रशांत कुमार हो, चाहे संतनु अग्रहरी हो, चाहे मनोज कुमार हो, सब ने अच्छे से काम करके गए। मौजूदा नगर आयुक्त से तो कभी भी आपका जो संबंध है वो मधुर रहा ही नहीं, जब से उनकी पोस्टिंग हुई तब से जो है आप और उनके बीच का जो विवाद है वो पूरा शहर आज जानता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप कानून से हट के काम कीजिएगा तो ये उचित नहीं है। आपको कानून संबद्ध काम करना होगा, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। और ये जहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है तो बिना अध्यक्ष का अनुमति का आप ला नहीं सकते हैं। एजेंडा लाने की बात अगर है तो एजेंडा भी आप मेयर की अनुमति से ही आएंगे। देखिए क्या कहते हैं, यहाँ धारा 77 का पारा 6 और 7 के तहत महापौर या अध्यक्ष की अनुमति से ही किसी एजेंडा पर चर्चा और निष्पादन किया जाएगा। साथ ही महापौर या अध्यक्ष के द्वारा ही घोषणा किया जाएगा कि एजेंडा पारित किया गया है या गिरा दिया गया है। तब मेयर का बिना अनुमति का कोई काम कर सकते हैं क्या? महाधिवक्ता का जो मंतव्य आया था तो ठीक इसके पलट आया था। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि महाधिवक्ता ने तो पूरा कानून ही बदल दिए। उनको ताकत है क्या झारखंड नगर पालिका अधिनियम को बदलने का? बदलना हो तो विधानसभा में चर्चा करके संविधान चेंज किए, कानून या अधिनियम को चेंज किया जाता है। कानून अलग है, रूल अलग है।
दोनों को अलग अलग, तो जिस तरह से उन्होंने किया है ये पूरी तरह से गलत है, इसलिए हमने कहा उनका मंतव्य उनकी अपनी राय होगी और उनका अपना विचार होगा, ये मंतव्य इस अधिनियम के तहत नहीं है। तो आगे इस पे आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, अगर जहाँ गड़बड़ी होती है कार्यपालिका और विधायिका, भारतीय संविधान में लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा विषय है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायिका चेक एंड बैलेंस करके काम नहीं करती है, चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होती है तो न्याय सबके लिए है, और अगर हम इसको न्याय तक लेके जाएंगे और वहाँ न्याय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कर्मचारियों और अधिकारियों को आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार आपको किसने दिया कि आपको इसके लिए माफ़ी नहीं मांगना चाहिए? मैंने कोई आपत्ति टिप्पणी नहीं किया है, कोई भी आपत्ति टिप्पणी नहीं किया। अगर मुझे लगता कि आपत्ति है तो जरूर, मैं तो आपत्ति कहीं नहीं बोली हूँ, कुछ नहीं बोली हूँ। इसको लेकर सीएम के पास वो लोग गए और सबके पास जाइए, जहाँ जहाँ जाना है जाए, प्रधानमंत्री तक जाए। जब हमने गलती ही नहीं किया है तो किस चीज़ का मैं माफ़ी मांगूँ? जिसने जो काम किया मैंने उनको कहा। इसी आपत्तिजनक टिप्पणी को बोलकर वो दो दिन से लगातार निगम का कार्य जो है बाधित कर रहे हैं, जिनको काम नहीं करना है। सबसे आज तक का सबसे फेलियर अधिकारी मुकेश कुमार है। वो तो ठीक है मैम, मुकेश कुमार अधिकारी फेलियर, लेकिन तमाम जो पार्षद हैं वो भी आपके साथ स्टैंड पर खड़े नहीं होते हैं? नहीं, सभी मेरे साथ है, सभी मेरे साथ है, सब लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो, सब ने मेरे से आके मिल के गए और बोले मैम दबाव के कारण हम लोग ये सब कर रहे हैं, ये हम लोग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक सीनियर अधिकारी के सामने जूनियर अधिकारी की बोलती ऐसे भी बंद रहती है। ये तमाम दबाव के बीच तो मैम रांची नगर में जो रांची की जनता है वो पिस रही है, दो दिन से काम नहीं हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं वो लौट के जा रहे हैं। कलम बंद आंदोलन जो हुआ उसमें बहुत सारे लोग लौट के गए, आज काला बिला लगाकर बैठे हुए। अगर ये नीति रही तो रांची नगर निगम के अंतर्गत तो जनता जो आती है वो पिसेगी मैम। नहीं, उनको तो काम करना चाहिए, जिनको काम करने के लिए है सरकार, इसीलिए पैसा देती है कि आप काम करो, ऐसे नहीं कि आप बैठ करके कुछ और करो। कानून को पालन करते हुए चेक्स एंड बैलेंस बनाइए और काम कीजिए, बस यही है। रांची की जनता जानती है, रांची की एक एक जनता जानती है। आप बताइए कोई भी रांची, आप ही जाइए ना, आप चले जाइए अधिकारी से मिलने के लिए, 10 घंटा आप ही को बाहर बैठा कर रखता है, आपसे नहीं मिलता है। आप एक पत्रकार हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो आपको ही नहीं बैठा कर मिलते तो जनता का काम कैसे होगा? जनता तो जाती है उनके सामने, वो काम भी नहीं करते हैं। आप बैठक बुलाते बोलते तमाम पार्षद मेरे साथ है, बैठक में लोग क्यों नहीं आते हैं? कौन सा बैठक में? सारे बैठक में सभी लोग आए हैं। समीक्षा बैठक तो अधिकारियों को मैं बुलाती, पार्षदों को समीक्षा में थोड़ी बुलाती हूँ। समीक्षा बैठक बुला रहे हैं, अगर समीक्षा बैठक में आप नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार कर रहे होंगे। मान लिया आप बैठते, चेक बैलेंस बनाते, जनता का विषय था, हम समीक्षा बैठक किस लिए बुलाएं? 4 तारीख को जो समीक्षा बैठक बुलाएं, मैंने पहले 2 तारीख को पत्र लिखा कि 4 तारीख को आप बैठक आइए। आज तीज चला गया, गणेश पूजा चला गया, अभी क्या बोलते हैं कर्मा आने वाला है, इतना पूरा आदिवासी यहाँ धूमधाम से कर्म मनाता है, डस्ट गिराता है, साफ सफाई होते हैं, इन सबको मैंने, आप आदिवासी विरोधी हैं इसलिए इस टाइप का आप बैठक नहीं आए। अगर आप आदिवासी का हित चाहते हैं तो इस बैठक में जरूर आते। क्या लगता है मैम राजनीति हावी है निगम पर? निगम पर राजनीति नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र से ही यहाँ नगर आयुक्त काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, दुर्भावना से, क्योंकि वो जिस तरह से जो सरकार कह रही है उसको वो काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ रांची नगर निगम की मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा जी, ने साफ तौर पर बेबाक तौर पर अपनी राय रखी। अब देखना ये है कि रांची की जनता कब तक नगर आयुक्त और मेयर के विवादों के बीच में पिसती रहेगी। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ मिथिलेश सिंह।